हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम टू यदा न्यू व्लॉग आप सभी को मेरा और एक व्लॉग वीडियो में स्वागत है आई होप कि आप सब लोग भले चंगे हैं तो आज का दिन था संडे और अभी मॉर्निंग का टाइम था साढ़े नौ अभी से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माई फुल डे रूटीन वैसे तो मैं आप लोगों के साथ ज़्यादातर मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ बट आज मैं आप लोगों के साथ फुल डे रहूँगी तो आप लोगों के साथ में रहना और बातें करना बहुत ही मुझे अच्छा लगता है तो आप लोग ना ब्लॉग को जो है एंड तक देखते रहिए आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो चलिए को किचन से ही स्टार्ट करते हैं और मेरा ना सुबह का जितना सारा क्लीनिंग डस्टिंग का काम था वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया था आ, तो अभी मैं, मैं फटाफट -फड़ खाना भी बना रही थी संडे का दिन था फिर भी मुझे जो है जल्दी जल्दी खाना पकाना पड़ रहा था क्योंकि हम लोगों को जो है आज फिर से जाना है डॉक्टर के पास पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था सोनू को लेके गए थे डॉक्टर के पास उसका एयर में थोड़ा सा पेन था और फिर ना आज भी जाना पड़ेगा क्योंकि कल रात से जो है उसका सर्दी खांसी और उसके साथ फीवर भी हो गया है तो इसलिए फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एक परेशान खत्म नहीं होते कि दूसरे परेशानी आ जाते हैं तो का दर्द थोड़ा सा कम था बट ऊपर से देखिए फिर से फीवर हो गया है और आप लोग ना पीछे मेरे झाड़ू देख रहे थे तो प्लीज इग्नोर करना क्योंकि मैंने देखी नहीं थी उस टाइम नहीं तो हटा देती एडिटिंग के टाइम में मैंने देखा था तो उसके लिए फिर से जो है आप लोगों से माफी मांग रही हूँ तो यहाँ पर देखिए आज ना मैं झींगा और आलू देखे खसखस बना रही हूँ तो इसको हम लोग बंगोली में झींगा ही बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके मुझे बताना तो देखिए दोनों को मैंने एक साथ फ्राई कर लिया था ऊपर से मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके उन्हें सॉल्ट देकर ढक दिया था और थोड़ा सा भी पानी ऐड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि खुद से ही जो है से पानी रेड्यूस होगा और यहाँ पर देखिए सोनू ना सुबह ही उड़ गया था मेरे साथ तो फिर से जो है यहाँ पर सो गया था और ये नाम हर टाइम सो ही रहे आज तबीयत तो खराब है तो बिल्कुल ही इसका उड़ने का मन नहीं था और कुछ खाने का भी मन नहीं था फिर भी मैंने जोर जोर से जो है इसको थोड़ा सा केलॉक्स खिला दिया था जो गस लेके दिया था तो फिर से जो है वो खाने के बाद हो गया था और बच्चे ऐसे दिन भर घर पर बदमाशी करते रहते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं बट जब इन लोगों का तबीयत तो खराब हो जाती है तो घर जो है एकदम सोना सोना लगता है बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, लग रहा रहा था मेरा तो सुबह से जो है मतलब घर पर कोई चीख भी नहीं एकदम शांत ऐसे लग रहा था कोई निर्ल गिर गया तो उसका भी आवाज़ फिर से वापस में आ जाएगा तो ऐसे ही लग रहा था तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था तो इधर देखिए मेरा खाना भी बनकर रेडी हो गया था मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी सिर्फ डाल था और वो खसखस बनाई थी क्योंकि आज ना मेरा मन भी ख़राब है और साथ ही साथ ना सोनू हर बार मुझे बुला रही थी कि मम्मी मेरे पास आओ मेरे पास आओ तो बच्चे का जब तबीयत ख़राब होते हैं ना तो वो लोग हर टाइम जो है मम्मी को ही ढूंढते हैं तो आ, उस वो भी आ, मतलब चाहते थे कि मैं उसके टाइम साथ ही हर टाइम रहूँ तो इसीलिए उसके पास ही ज़्यादा बैठे थे और अभी देखिए खाना पकाने के बाद जो है मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिया था तो अभी जो है वारा के करीब बज रहा था हम लोग अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो चलिए हम रेडी होने के बाद ही जो है आप लोगों से बातें करूँगी तो अभी हम सब हो गए थे रेडी और नीचे सोनू और उसके पापा चले गए मैं अभी जा रही हूँ तो जस्ट ताला लगाना है घर पर उसके बाद ही चले जाऊँगी तो चलिए दिखाना हो गया था और ये कार्निवल मॉल के पास ही था डॉक्टर तो हम लोग थोड़ा जो है मॉल के अंदर जा रहे थे और सोनू को ना एक बॉल चाहिए था तो वो बहुत जिद कर रहा था तो स्पेशली उसके लिए हम जा रहे थे बॉल लेने तो और एक दो चीज़ देख रहे थे बट कुछ भी पसंद नहीं आया था तो गैस हम लोग अभी आ गए थे घर पर और बेटू के लिए देखिए बेटू तुम्हारा बॉल दिखाया बॉल दिखाओ तो मॉल पे गए थे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया था तो और उसका जो प्राइस भी है ज़्यादा है तो कुछ भी नहीं लिया था सिर्फ ये वाला बॉल लेके <laughs> <ने बला। laughs> ये ले करना की तो अभी हम लोग खाना खाएंगे हे है इस तो अभी आफ्टरनून का टाइम था अभी शायद चार या साढ़े चार हो रहा था टाइम और दोपहर में ना सोनू ठीक तरह से खाना नहीं खाया था तो उसको थोड़ा सा भूख भी लग रहा था और दवाई भी देना था तो इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा मैगी बना रही थी तो वैसे कुछ खाने का मन नहीं है बट मैगी तो चटपटा हुआ हो सके ये खाएगा तो चलिए अभी उसको खिला देते हैं और दोपहर ना खाना खाने के बाद सो गए थे तो हस्बैंड का भी तबीयत खराब हो गया है तो सर्दी खांसी उनका भी हो गया है हमको लगता है कि ये वायरल फीवर है सबको ये हो जाएगा और मेरा भी ना सिर पे बहुत ही पेन हो रहा है तो अभी चलिए सोनू को खाना सोनू को मैंने मैगी दे दिया था और अभी हस्बैंड के लिए ये बना रही थी आप लोग दवाई बोल सकते हो ये हम लोग जब छोड़े थे ना तो मम्मी हम लोगों को खिला दें। ये ऐसे बना के खिला देते तो आज वही मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए घी के अंदर मैंने जो है थोड़ा सा अदरक का पेस्ट दे दिया था और यहाँ पर पेपर पाउडर दे दिया था थोड़ा सा तो इससे ना सर्दी खांसी जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं तो चलिए ये देखिए इसका भी हालत जो है शाम के टाइम से ख़राब हो गया है और बेटुआ भी मैगी खा रहे थे तो सबका ही तबीयत ख़राब है और लगता है कि मेरा भी ख़राब हो जाएगा तो मैंने बोला कि आप लोगों को सिर पे जो है बहुत ही पेन था मैंने भी पेन किलर लिया था और अभी ना दो सबके लिए मैं बना रही थी ये झालमुड़ी तो ये इवेनिंग का टाइम था और कुछ चटपटा खाने का भी मन कर रहा था और अभी ना शाम के टाइम से जो है बारिश भी स्टार्ट हो गया था तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑनियन क्यूकम्बर और ऑयल डाल दिया था तो थोड़ा सा ना मैंने हरा मिर्चा दिया था और अभी थोड़ा सा आ, मैंने यहाँ पर चानचूर ऐड कर दिया है और ऊपर से ना लेमन का जूस ऐड कर रही थी मैं तो ये सच में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आ, कुछ मतलब थोड़ा सा मैंने नाट जो है फ्राई करके दिया था और छोले वग़ैरह मैं भिगो के नहीं रखी थी जैसे तो मतलब अचानक उसे खाने का मन किया प्लानिंग तो नहीं था कुछ भी तो देखिए यहाँ पर जो है छलमुड़ी हमारा हो गया है बन के रेडी तो आप लोग भी आ जाइए जो है हम ये पर आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है और ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गुड नाइट एवरीवन बाय बाय